टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के आनंद कोलीवाड़ा स्थित एकनाथ भगत चाल में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें डरा धमका कर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। ये एकनाथ भगत चाल सुधीर भगत के बंगले के जस्ट पीछे ही है। इस चाल में रहने वाले 13 मेंबरों का कहना है कि करीब 50 से 60 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मगर इनके पास जिस रूम में रह रहे हैं इस रूम के दस्तावेज के बारे में जब पूछा गया तो इन लोगों ने बताया कि सिर्फ इनके पास लाइट बिल और पानी का जो बिल आता है वो मौजूद है। हालांकि इन लोगों ने रूम के किसी भी तरह के एग्रीमेंट का जिक्र नहीं किया है। वहीं आज कुछ लोग एकनाथ भगत चाल में पहुंचे और घरों को तोड़ने लगे। हालांकि इसी चाल में एक घर के दरवाजे पर रात के समय किसी ने आग लगा दी थी। करीब ये आग की घटना 10 से 15 दिन गुजर चुकी है हुए, मगर आज जब घर तोड़ने लगे कुछ लोग, इसके बाद इस चाल में रहने वाले लोगों ने विरोध किया और वो लोग फिर वापस चले गए। वहीं इस पूरे मामले में जो नाम सामने आ रहा है वो नाम है सुधीर भगत का। सुधीर भगत ने भी इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि एकनाथ भगत चाल जो है वो जमीन उनकी है और पुराने समय से ही इस चाल में रहने वाले सभी लोग किराए के मकान पर रह रहे हैं। 500 रुपया किराए के नाम पर वो पावती देकर उनसे लिया जाता है। और मगर सुधीर भगत ने यह भी बताया कि कुछ लोग हैं जो इस किराए के मकान में रहते थे, मगर वो लोग अब दूसरी जगह जाकर रह रहे हैं और खुद ये किराए का मकान जो है किराए पर दे दिए हैं और 3000 से 2500 रुपया खुद किराया ले रहे हैं और सुधीर भगत को वो 500 रुपया पावती लेकर किराया दे रहे हैं। सुधीर भगत का कहना है कि ये जमीन उनकी है और किराए के मकान में रह रहे लोगों से उनका मकान खाली कराया जाएगा। हालांकि सुधीर भगत ने यह भी बताया कि 500 रुपये किराए की पावती उनके पास मौजूद है और जमीन भी उनकी है। टैक्स पावती उनके पास जो मौजूद है वो एकनाथ भगत के नाम से ही टैक्स पावती है। पहले सुनाते हैं आपको कि एकनाथ भगत चाल में रहने वाले परिवारों ने क्या कुछ कहा है, आरोप लगाया है, और उसके बाद सुधीर भगत ने भी इन आरोपों का क्या जवाब दिया है वो भी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सदी मेनन। ये जिस जगह आप रहते हैं इस जगह का पूरा एरिया का नाम क्या है? एकनाथ भगत चाल। अभी आप मुमरा पुलिस चौकी गए थे और मुमरा पुलिस चौकी में आप किस शिकायत को लेके गए थे? क्या बोला आपने? मुमरा चौकी में क्या शिकायत लेके गए थे आप? शिकायत बोला तो मैं कंप्लेंट देने की वजह से गया था ये तोड़ा कर गया तो कंप्लेंट देने की वजह से। क्या तोड़ा? पत्रा तोड़ दिया आपके घर का? क्यों तोड़ा गया? ये क्यों तोड़ा गया तो मैं उसको बोला कल जाके, वो भी बताते हैं, कल जाके मैं बोला मैं रहने की वजह से आता है कोली वाली को काली की है मैं रहने की वजह से आता है करके जाके सुधीर को बोल दिया। और टाइम को क्या बोला क्या किसका जागा है क्या ऐसा करके मेरे को दम दिया। मैं बोला कुछ भी करो मेरा माँ 60 बरस रियल है, मेरे माँ का तरफ से मेरे को बैचलर का अधिकार है, मैं आकर रहेंगा करके बोला। अब मेरे को सुबह देखा तो आदमी को चोड़ा, आदमी को चोड़ के ऊपर कोरोड़ा ये फोड़ने के ये रहता नहीं क्या हथौड़ा नहीं है ठीक है वो लिया और तोड़ने के टाइम मैं अंदर था। मैं बोली क्या है करके सोच के मैं जल्दी बाहर आया मैं देखने के टाइम वो लड़का के पास मैं गया। मैं बोला क्यों रे तोड़ा तू ये रूम क्यों तोड़ा करके बोला, बोलते मेरा जागा है करके बोला। वो लड़का बोला मेरा जागा है। वो लड़के को पहचानते क्या? हाँ मैं नहीं पहचानता, उसका बॉडी घर है। अच्छा सुधीर का बॉडी गार्ड है, मतलब आप घर में थे तभी तोड़ा गया? कितने बजे तोड़ रहे? 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे। क्या बोल क्या रहे वो लोग? घर आपका है तो फिर क्यों आपके साथ ऐसा कर रहे? क्या बोल रहे वो लोग? मंशा क्या है इसके पीछे? बोलते हैं तुम इधर कार्य करो मेरा जागा है तुम कार्य करके चले जाओ। कितने साल से आप लोग यहाँ पे हैं? 60 वर्ष से है। ये आज कितने दिन से ये लफड़ा चल रहा है? ये अभी बोलेंगे तो ये काली करने के वास्ते 5 महीने से बोलते काली करो करके बाढ़ोतरी काली किया उसका बाद में मैं बोला बाल काली करते हैं मैं आके रहने को चाहती है करके बोला। आया कल शाम को आया उसको मिलाया बात किया, सुबह आदमी को तो लिया ऊपर चढ़ाया पूछे बिगर ऊपर चढ़ाया चढ़ के फिर बाद में ये तोड़ के लिया। ये तकलीफ खाली तुमको है या पूरी चाली वालों को?
सबको जा लिया है, सबको है, सबको है। डॉक्यूमेंट्स प्रूफ वगैरह आपके 60 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो कुछ प्रूफ वगैरह है आपके पास? टैक्स पावती या नल कनेक्शन का पावती सब है? क्या क्या है? क्या क्या है? लाइट का बिल है, पानी का बिल का है, और घर का भाड़ा देता था उसका पावती है। काहे का भाड़ा? घर का घर तो, घर तो आपका है ना? हाँ मेरा ही है। टैक्स के लिए भरने के लिए पैसा देता था? पैसा देता था। किसको देते थे पैसा? सुधीर को देता था। सुधीर इधर का लैंडलॉर्ड है क्या? पता नहीं अभी ये लैंडलॉर्ड कौन है? जमीन का पहचानता नहीं है, कुछ नहीं है लड़का को। अच्छा, तो कितना लेते थे भाड़ा? वो कितना भाड़ा लेते थे? किसका? 500 भाड़ा लेता था। 500 रुपए लेते थे। टैक्स पावती आप लोग का बना ही नहीं? नहीं है, लिया नहीं है, दिया नहीं है हम लोग को। आप लोग को नहीं दिया? दिया नहीं है। अच्छा। लाइट का बिल है, पानी का लाइन लिया है, पूरा बोलेगा तो बनाया है, पूरा खर्चा करके रह रहे हम लोग। तो आप इधर 60-62 साल से रह रहे हैं, तो आप लोगों का कुछ अपना टैक्स पावती है? आप टैक्स पावती उसने छीन लिया है हमारे पास से। टैक्स पावती आया था, लेकिन वो आदमी को बुला लिया उधर। टैक्स पावती कितना साल हुआ आपको आके? टैक्स पावती बोलेगा तो कितना, 60 वर्ष से दो महीने में आया था वो देने के लिए हमारे को चाली में, लेकिन उसने 2-3 जन को दिया। बाद में उसको मालूम पड़ा कि टैक्स पावती आया है, तो आदमी को ऊपर बुला लिया बंगले का। फोटो पास पता लो, मतलब सर्वे नंबर हुआ है, फोटो पास भी उसने रख लिया है, मतलब सर्वे नंबर हो गया। सर्वे नंबर सगले घरावर नंबर पड़ लेले आमचे, ते नंबर आम्हाला काय देऊ दिले नाही त्यांनी। अच्छा, वो टैक्स पावती वो ले लिए है, उसी के वजह 500 रुपया महीना वो ले रहे हैं। हमारा टैक्स पावती उसने छीन लिया है ना, वो देने नहीं दिया है, इसके लिए 500 रुपया ले रहे हैं। तो आप टैक्स पावती के लिए फिर कभी मनपा ऑफिस में गए? हम गए थे इधर वो लेने से मना किया, इधर मना कर दिया था। मनपा में कुछ आपने पत्र व्यवहार किया था इस चीज को लेके? उस टाइम ने अब भी किए, हम उस टाइम नहीं किए। क्या नाम है आपका? अशोक कृष्ण कौड़े। अशोक विष्णु कौड़े। आपके ही घर में दरवाजे पे आग लगी? कितने दिन पहले आग लगाई गई थी? 15-20 दिन हो गया। 15-20 उसका कंप्लेंट किया है। आपने टकरार दिया? हाँ, कंप्लेंट किया। तो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? कुछ नहीं, कंप्लेंट दर्ज करके दी खाली एनसी लेके। आपको भी रूम खाली कराने के लिए ऐसे प्रेशर आ रहा है ऐसे? हाँ, जाते हो तो तुम लोग को 2 लाख देता होकर ऐसे बड़े। 2 लाख कौन देगा? 2 लाख मालिक दे देगा। मालिक बोल रहा है? मालिक कौन है? मालिक पता ही नहीं है कौन मालिक। नहीं तो फिर 2 लाख का ऑफर किसने दिया? कौन दे रहा है ऑफर? कौन दे रहा है? नहीं नहीं, ऐसा ही है, सुना है, ऐसा ही सुना है। 2 लाख हम लोग तो ऑफर बुला के सुधीर भगत दे रहा है। हाँ, ये 2 लाख का ऑफर सुधीर भगत ने आप लोग? हाँ, दिया दिया। और लैंडलॉर्ड होने का दावा भी सुधीर भगत कर रहा है? हाँ हाँ, राइट राइट, बरोबर। सुधीर भगत बोलते हैं 2-9 लाख गया आणि रूम खाली करा। त्यांचा एक सरळ स्टेटमेंट आहे की 2 लाख गया, एवढंच बोलते, त्याच्या पुढे काय बोलत नाही। म्हणजे पूर्ण पाठीमागे याचा जे हात आहे कोणाचा आहे? सुधीर भगत। ये 2 लाख का ऑफर आप लोगों को सुधीर भगत ने, सुधीर भगत दे रहे हैं, और लैंड लॉर्डशिप का दावा भी सुधीर भगत का, सब वही तो कर रहे हैं। ये जो पूरा खाली कराने का जो मंशा चला है, जो रूम तोड़े वही है, और इसके पीछे मतलब पूरा हाथ सुधीर भगत, सुधीर भगत का ही। अभी खुला ही नाम ले रहे हम, अभी खुला नाम लेके अभी कुछ तरी होगा हमारा, वैसा दबा के रखेगा ना तो हमारा फायदा उठाएगा। आग की भी घटना हो गई तो रात को कभी भी आके अभी रात में हमारा कनेक्शन चाहिए हम लोग को। रात को मतलब आप लोग की जान को खतरा, जान को खतरा ही है। रात में एक घर जलाया गया और दिन दहाड़े यहाँ रूम तोड़े जा रहे हैं और दादागिरी का मंशा पूरा चल रहा है। हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, अभी हम लोग सो भी नहीं सकते, रात में पहरा देना पड़ेगा। इनको बैठेगा ही बाहर, वो कभी भी आएगा कभी भी तोड़ेगा। अकेला आदमी तो रह नहीं सकता है घर के बाहर रात के टाइम, उन लोग के 10 आदमी आएंगे तो हम लोग अकेला क्या कर सकते हैं? हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, सब तो जाग नहीं सकते, सब काम पे जाने वाले, जॉब के हाथ पे काम करके खाने वाले, तो वैसा इसके लिए इन लोग के लिए घर में बैठेंगे तो खाएंगे क्या और पियेंगे क्या? तो आप सभी लोग मिलके मुमरा पुलिस चौकी में कोई पत्र व्यवहार अभी तक क्यों नहीं किया? किया था। अभी तक आप लोग कम्प्लेन घर को लेके कोई अर्जी वगैरह आपके घर को लेके जो निकाला जा रहा है? हम लोग ने वकील किया है ना, वकील किया है, वकील थ्रू उन लोग को दिया है लेटर चौकी में, और ये आप पुलिस महकमे के आला अधिकारियों को क्या कहना चाहते हैं इस मामले? अभी हम लोग पुलिस चौकी को पुलिस वाले को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को प्रोटेक्शन चाहिए, हम लोग की जान को खतरा है और हम लोग को सेफ्टी चाहिए। किससे खतरा है? सुधीर भगत से। बस उसने आदमी लोग भेजे हैं, वो खुद नहीं आता, खुद नहीं आता, अलग अलग आदमी।
आदमी को भेजता है वो मेरा रूम का लेके जाओ, वो खुद नहीं आता, अलग अलग आदमी को भेजते हैं। तो आपने सुना कि एकनाथ भगत चाल में रहने वाले परिवारों ने क्या आरोप लगाया है। वहीं सुधीर भगत ने भी कहा है कि ये जमीन उनकी है, उनके पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो सभी लोग किराए पर हैं और किराए पर उनसे 500 रुपये की पावती देकर 500 रुपया लिया जाता था। बहरहाल इस पूरे मामले में सुधीर भगत ने भी क्या कुछ कहा है। सुधीर भाई, आज एकनाथ भगत चाल के लोगों ने कुछ कंप्लेन दर्ज कराई है और उसमें आपका नाम आया है, आपके लोगों ने उनका जाके घर तोड़ा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहली बात ऐसी है कि आपने शुरुआत की एकनाथ भगत चाल, इसका मतलब वो मेरे दादाजी की चाल है, वो वहाँ के भाड़ोत्री हैं। रही मसला उनका घर तोड़ने का, उनका घर नहीं तोड़ा, मेरे ही जो रूम खाली है वो मैं तोड़ने के लिए उधर जा रहा हूँ, क्योंकि जो रूम खाली है कल को उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, वो मेरे पर आएगा। इससे अच्छा मैं मेरे रूम जो है वो खाली करके लेना मेरा काम है। नहीं तो वो 50-60 सालों से वहाँ रह रहे हैं सुधीर भाई, और आज आपको खाली कराने की ऐसी क्या बात नज़र आई जो आप खाली करा रहे हैं। ऐसा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर से रूम दूसरी जगह पे ले लिए, वो लोग ने पोर्ट भाड़ो कर रखे, ऐसा रूम में बैठता नहीं हूँ। जो गरीब है भाड़े से कौन रहता है, जिसको सच में घर नहीं है वो वहाँ रहता है, मैं उन लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के दो दो तीन तीन फ्लैट्स हैं और उन्होंने क्या किया है, किसी और को उसमें रखा और खुद मलाई खा रहे हैं और हमको बस आपका जो पावती है वो देने का। तो मैंने उनको बोला हाथ जोड़ दिए भाई ऐसे नहीं चलते। सुधीर भाई, उन लोगों का कहना है कि करीब 60 साल से वो लोग रह रहे हैं, ये घर उनका है, वो लाइट बिल वगैरह पानी का लाइट का ऐसा है। सुनो, लाइट का जब MSEB आई थी, इससे पहले जब MSEB होती थी तो लोग पोल से कनेक्शन लेते थे डायरेक्टली, उनको एक रिसीड एक ऐसे ही चलता था। उसके बाद जब MSEB आई तो उन्होंने उनके जो रहवासी है, जो भाड़ोत्री है उनके, ऐसे मेरे कई भाड़ोत्री है आपको बताता हूँ, जो रहता कोई और है और अलग नाम पर उसका मीटर है उसमें है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। सुधीर भाई, जो है ये भी कहना है ये जो जगह है इसका कोई मालिक नहीं है और सुधीर भाई मालिकाना हक इसमें जमा है। सुनो, मुमरा के अंदर ऐसे कितनी प्रॉपर्टी है जहाँ पर बैठा कौन है, और अब 60 साल हो गए, 70 साल खुद ही बोल रहे, 20 साल के बाद तो गवर्नमेंट का लैंड भी हमारा हो जाता, समझे। सिडको एक आपका खुद का स्टेटमेंट दिया हुआ है जो 20 साल से यहाँ रह रहा है, ये लैंड उसका खुद का, जिसकी स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर ओनर जो रह रहा है सर, उसमें से जो कई लोग हैं ना वो कभी ये रूम में कभी वो रूम में शिफ्टिंग हुए, यानी किसी का बोलने का मतलब जो रहेगा उनके पास अगर कोई डॉक्यूमेंटल सरकारी डॉक्यूमेंटल प्रूफ रहेगा तो बात करें। मालिक मैं हूँ, यानी मेरे दादाजी और मेरे पिताजी और मेरे काका, उन्होंने अगर उनको सेल एग्रीमेंट दिया रहेगा वो दिखाया, वो पहले से ही वो भाड़े पावती के ऊपर है, यानी अभी का नहीं, मतलब 60 सालों में आपने एक नहीं एग्रीमेंट नहीं बना के। ऐसा है, उस वक्त भाड़े पावती का लोग थे, 1000 रुपया 500 रुपया डिपॉजिट, ये सिस्टम चलता था, और उस वक्त एक पेपर पे लिखित होता था ऐसा खरे एग्रीमेंट वो सब नहीं चलता था उस वक्त। तो पावती है आपके वो मुझे जो जहाँ दिखाना है जब वो बोलेंगे वो मैं उनको दिखाऊंगा, इनको क्यों दिखाऊं, और जो है मेरे पास आज वो मैं पावती आपको मैं दे रहा हूँ, ये मेरे रेंटल के ऊपर है, टैक्स हमारे नाम पर है, हम उनसे हर महीना रेंट ले रहे हैं। कितना रेंट ले रहे हैं आप? 500 रुपया है, वो तभी से चलता रहा, पहले 10 रुपया था, फिर 20 रुपया हुआ, 30, 50, 150, 200, 500 रुपये आया। आज हमने ऐसा भाई लोग ने नए लोग ने डिसाइड किया कि कब तक ये 100-500 के ऊपर ठीक है, जिनको जिनका मानधन लगता है वो दे के निकल जाए। अब क्या हो गया, जैसे ही पता चला इनको कि सुधीर भगत मानधन दे के ख़त्म कर रहा है, तो भाइयों में बहनों में आपस में झगड़े हो रहे हैं और वो लोग कब्जा, यानी मेरे को भी चाहिए इसमें का हिस्सा, मेरे को भी चाहिए, वो इनका चल रहा है। अभी जिस आरोप है आपने ये जमीन कोई बिल्डर को बेची है और इसीलिए आप उनको जबरन खाली कर रहे हैं, अगर उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस है तो दिखा दे। सुबह में जो व्यक्ति गया था वहाँ पर तोड़ने के लिए वो बोल रहा है कि ये जमीन मैंने खरीद लिया है, जमीन खरीद लिया है वो है, जो भी डॉक्यूमेंटल रहेगा तो वो उनको दिखाएगा। और सुनो, स्ट्रक्चर मेरा है, बराबर है, वो स्ट्रक्चर देने का अधिकार मेरे को है कि नहीं,
मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो स्ट्रक्चर मेरा है, मैंने दिया है नहीं दिया है वो बात की बात है, लेकिन स्ट्रक्चर जो है उस स्ट्रक्चर का मालिक हमारे पुरखे हैं, वो उनको दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा उनका मतलब। अच्छा, उनका ये भी कहना है लैंडलॉर्डशिप आपकी है, तो लैंडलॉर्ड में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, एक भाड़ा पावती होती है और वही भाड़ा पावती के ऊपर वहाँ पर मालिकाना हक आपका होता है और आपके लैंडलॉर्ड वो अपना भाड़ोत्री वो होते हैं, तो आपने उनके भाड़ोत्री इतने साल से आपके हैं तो आप 2-2 लाख रुपया दे के हटा रहे हैं उनका, ये क्या उसकी वजह है कि वो उधर रूम की कीमत ही 4-5 लाख रुपये। मैंने उनको ये ऑफ़र दिया था, आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हो, उनको ऑफ़र दिया था कि या तो आप ले लो या तो मेरे से ले लो। तो कुछ लोग जो आज रूम खाली करके दे गए वो बोले सब हमको नहीं चाहिए, हमारे खुद के रूम से हम जा रहे हैं, आप हमको मेहनताना हमको दे दो हम जा रहे हैं, वो चले गए। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि कुछ लोगों को लगता है सुधीर भगत है, बड़ा बरगद का पेड़ है, यहाँ से वहाँ से जैसा चाहे वैसा निचोड़ सकते हैं, थोड़ा सा इशू करेंगे थोड़ा मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आ रहा है इसमें और कुछ नहीं। उनका कहना है कि टैक्स पावती उन्होंने बनवाया था और यहाँ पर वितरित करने के लिए भी आए थे, ठीक है, तो आपने वो टैक्स पावती मंगवा लिया, मेरे एक बात टैक्स के एवज में 500 रुपया ले रहे थे, क्या हुआ वो टैक्स पावती के एवज में? ऐसा कभी होता है क्या? उनका कहना है, नहीं कहना कह रहे कि मैं आप सुनो, आप इतने साल से इस फील्ड में हो, क्या किसी की इंडिविजुअल टैक्स पावती कोई इतने आसानी से अपने नाम पे कर सकता है क्या? जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि 60 साल से इस आदमी का धारा जमीन का धारा से लेके तो टैक्स का धारा हम भर रहे हैं, तो नगर पालिका वाला बिना विदाउट एग्रीमेंट किसी को बना के देगा, वो इनडायरेक्टली नगर पालिका को इल्ज़ाम लगा रहे, इसलिए इस चीज़ का नगर पालिका को भी खामियाजा हो सकता है कि वो इनडायरेक्टली नगर पालिका पर इल्ज़ाम लगा रहे कि ऐसे धोखाधड़ी नगर पालिका करती है विदाउट किसी के एग्रीमेंट, विदाउट किसी के ऐसा ट्रांसफ़र होता है क्या? नहीं होता। अच्छा, वहाँ पर आग लगाने की भी घटना सामने आई थी करीब 10 से 15 दिन पहले, किसी दरवाजे पे आग लगा दिया गया था, तो वो भी इल्ज़ाम बताया जा रहा है आप लोगों पे लगा रहे हैं। अभी क्या है, करके गया गांव वाले सुधीर भगत से नाव, यानी वही होगा ना, करके गया गांव और सुधीर भगत से का नाव होता है सब कुछ इस दुनिया में। अभी इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, कुछ इशू बनाना चाहिए, सुधीर भगत को भी टारगेट में लेना चाहिए, कभी आता नहीं है तो बड़ी मुश्किल से आया है तो उसको ऐसे है, लेकिन अच्छा ये बताइए मामला कुछ अलग है, लेकिन आप बार बार इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं तो टारगेट बनाए कौन है जो टारगेट बना रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं, देखो इलेक्शन में यहाँ 100 पार्टियाँ हैं, हर एक पार्टी चाहती है कि सुधीर भगत है, देखो फल लगे हुए पेड़ को आदमी लोग पत्थर मारते, सूखे पेड़ को तो कोई मारता नहीं, तो हर पार्टियाँ सोचती रहेगी कि भाई ये नहीं तो पत्थर मारने वाला कौन है वो मालूम होगा ना? बहुत बच्चे हैं, बहुत मैदान में बहुत बच्चे हैं, किस किस को पकड़ेंगे? सुधीर भाई जैसे आपने ये एक्सेप्ट किया है ये आपके भाड़ोत्री है, आप 500 रुपया भाड़ा लेते हैं, तो जैसे अभी लोगों का कहना है बिल्डर आ रहा है, तो बिल्डर आके रीडेवलप करके इन लोगों को उसमें रूम क्यों नहीं दिया गया? क्या चीज़ बिल्डर नहीं वाला है? सुनो ना, बिल्डर आने नहीं वाला, उसका बड़ा मसला क्या है, आज के तारीख में मुझे 500 रुपये की ज़रूरत नहीं है टू बी फ्रेंक, तो मैं क्या चाहता हूँ क्या वैकेट कर देंगे, हो सकता है मैं मेरा घर बांध लूँ उधर, हमारे भी भाई है ना, 3 भाई है ना हम लोग, एक भाई इधर रहेगा एक भाई उधर रहेगा और एक भाई, तो हम भी हमारे घर पे नहीं रह सकते क्या? हमको वो उतना भी अधिकार नहीं है क्या? हम हमारे बाप दादा की ज़मीन पे खुद का घर बांध के नहीं रह सकते हम? उतना तो अधिकार हमको है ना, हर बच्चे को उतना अधिकार है। मतलब आपका कहना है कि पूरी राजनीति हो रही है? यस। तो आपने सुना कि दोनों तरफ से एक के ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है, वहीं सुधीर भगत ने भी इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। सुधीर भगत का कहना है कि अब कॉरपोरेशन चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसे में उनके खिलाफ ये राजनीति षड्यंत्र भी हो रही है। उन्होंने इशारा किया है कुछ लोगों के ऊपर कि कुछ लोग हैं जो इन लोगों के जरिए उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।